अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पनीर मटर कोरमा, और इसके लिए मैंने 300 ग्राम्स पनीर लिया था। इसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये जो मैं आपको मसाला दिखाऊंगी, इसमें आप 400 ग्राम्स तक पनीर डाल सकते हैं, आपको जितना भी पसंद हो। तो मैं 300 ग्राम्स ले रही हूँ। ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, इसके मैंने पीसेस करके थोड़े से पानी में मैंने इसको बॉईल किया और कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने निकाल के इसको ब्लेंडर में पीस लिया, और उसके बाद इसको छान लेना है। तो ये आपकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून काजू, चॉप्ड काजू थे, और 1 टेबल स्पून खशखाश थी। इन दोनों को मैंने 3 टेबल स्पून दूध के अंदर आधा घंटा पहले भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। तो ये 1 टेबल स्पून कैशू नट्स और 1 टेबल स्पून पॉपी सीड्स हैं पिसे हुए, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। 100 ग्राम्स मैंने मटर के दाने लिए हैं, 1 कप दही है, ये 2 स्टिक्स हैं छोटी सिनेमन की, 2 बे लीव्स हैं और 2 लौंग हैं, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये आप अपने हिसाब से रखिएगा, 2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून शक्कर है, और 1 टीस्पून नमक है, नमक भी आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये 3 प्याज थी जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, पीसा नहीं है, इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है यानी ग्रेट किया हुआ है। और 1/2 कप हमको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था, ये गर्म हो गया, और सबसे पहले हम इसमें ये पनीर के क्यूब्स डाल के इसको हमें तलना है गोल्डन कलर तक। ये देखिए पनीर जो है तल गया अच्छी तरह, ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम ये जो प्याज हमने ग्रेट करके रखी थी ये डालना, हल्का सा इससे कलर आ जाए इतनी देर तक इसको भूनना है। देखिए हल्की सी गोल्डन कलर की ये प्याज हो गई, और अब हम इसमें ये जो हमने बे लीव्स और सिनेमन और ये जो लौंग ली थी ये हम डाल देंगे इसमें, और ये जो हमने टमाटर का पेस्ट लिया था ये हम इसमें डालना है। इसको मैं 5 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं पकाऊंगी, थोड़ा सा इसका पानी कम हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए, और अब हम इसमें ये जो हमने सारे मसाले लिए थे सिर्फ शक्कर छोड़कर, शक्कर मैंने अलग रख दी, वो हम लास्ट में डालेंगे। तो ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो हमने काजू और खशखाश का पेस्ट बनाया था ये भी हम इसी में डाल देंगे, ये जो हमने दही लिया था ये भी हम इसी में डाल देंगे, और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 5 मिनट। अब ये मैंने इसको 5 मिनट भूना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, और अब मैं इसमें ये जो मटर मैंने लिए थे ये मैं डाल रही हूँ, ये मैंने फ़्रेश मटर लिए थे तो उसको ज़रा पकने में टाइम लगेगा, तो ये मसाले के साथ मैं डाल दूँगी, तो कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह पकने में, या जितनी देर में ये गल जाएं। और अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ करें तो फिर आप जब पनीर ऐड करें उसके साथ आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर लें, क्योंकि वो प्री कुक्ड होते हैं तो उसमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैं इसके साथ डाल रही हूँ और इतनी देर पकाऊँगी जितनी देर में ये पूरा मटर गल जाए अच्छी तरह। और 5 मिनट मैंने अभी मसाला भूना था, और ये इसके साथ और पकेगा मसाला भी, तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छी तरह ही कुक हो जाएगा। ये देखिए इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट भूना, मसाला भूनना बहुत ज़रूरी होता है, अगर मसाला कच्चा रह गया तो फिर आपकी कितनी भी अच्छी डिश होगी वो अच्छी नहीं बनेगी, मज़े की नहीं बनती। तो मसाले के ऊपर आप ध्यान दें, टाइम नहीं देखें कि मैंने आपको कितना टाइम बताया था, आप अपने हिसाब से देखें कि मसाला भुना कि नहीं भुना। तो मुझे ये 15 मिनट लगे उसको मसाले को भूनने में बहुत अच्छी तरह से, और ये देखिए बिल्कुल भून के तैयार हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जितनी हमको इसमें ग्रेवी रखना है। ये देखिए इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने पानी डाला, और इसमें अब हम ये डालना है पनीर जो हमने तल के रखा था, और ये मैंने थोड़ा सा क्रीम, 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम है, तो उसमें से मैं 1 टेबल स्पून क्रीम इसमें डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून मैं जब इसको निकालूंगी डिश में उस वक्त मैं ऊपर से डालूंगी। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको
5 मिनट के लिए हम, जब तक कि अच्छे से बॉयल नहीं आ जाए और ये पनीर ज़रा मसाले के साथ पक जाए, बस हम इतनी देर के लिए इसको कवर करके रख रहे हैं, थोड़ा इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद इसको हम करेंगे सिमर और 5 मिनट के बाद बस फिर ये तैयार है डिश आउट करने के लिए। ये इसमें हमें शक्कर भी डालना है, ये शक्कर रह गई थी, बिल्कुल लास्ट में डालते हैं ये भी पनीर के साथ। और बस उसको अब आप मिक्स करके और इसमें 5 मिनट के लिए बस इसमें बॉयल आ जाए, बस 5 मिनट दम करने के बाद आप इसको निकाल लें। ये लीजिए गरम गरम मटर पनीर कौरमा तैयार है। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा क्रीम से गार्निश किया हुआ है, आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल लें, वैसे हरा धनिया इसमें नहीं डलता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।